हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऋषि पंचमी की एकदम सरल पूजा विधि सिखाने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी एक ऋषि पंचमी की पूजा का वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है। इस वीडियो में आप फोटो की पूजा कैसे करें ये मैं आपको बताऊंगी। तो फोटो की पूजा करने के लिए आप सबसे पहले पाट्टे पर हल्दी हम लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा पाट्टा है उस पर ही हम हमारी गणपति जी की स्थापना करेंगे, कलश स्थापना करेंगे और सबसे पहले ये रोली की टिक्की लगा लेंगे। तो आप फोटो अगर आपको मार्केट में ना मिले तो आप जो फोटोग्राफर्स होते हैं, फोटोशॉप की जो दुकानें होती हैं, वहां पर से आप आराम से जो ऋषि जी का फोटो है, सप्तऋषि का जो फोटो है, वो निकलवा कर लाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से एक कलश पर, लोटे पर हम स्वस्तिक बनाएंगे, उसमें गंगा जल भरेंगे, जल भरेंगे और कंठ तक जल भरने के बाद इसमें हम हल्दी की गांठ, एक सुपारी और चावल डालेंगे, साथ ही साथ में 1 रुपए का सिक्का भी डालेंगे। इसके बाद जो 5 आम के पत्ते हैं उन पर मैं सबसे पहले जो हल्दी है वो लगा रही हूँ। आप चाहें तो बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं और चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। थोड़ी सी दुर्वा भी हम हमारे कलश में डालेंगे और इसके बाद इस पर हमारे 5 आम के पत्ते रख कर इस पर हम हमारा नारियल रखेंगे। पर नारियल रखने से पहले जो एक प्लेट आप ले लें, कटोरी ले लें, उसमें आपको चावल भर के लेने हैं और वो चावल के ऊपर हम हमारा नारियल रखेंगे। तो इस पूजा में आपको अपनी तरफ नारियल का मुख रखना है। इसके बाद सबसे पहले चावलों पर हमारा जो कलश है उसे हम विराजित कर देंगे। तो कलश स्थापना कर लेने के बाद अब हम हमारे गणपति जी का पूजन करेंगे। तो गणपति जी के पूजन के लिए हम गणपति जी को चावलों पर और 1 रुपए के सिक्के पर सुपारी रखकर मैं बैठा रही हूँ। आप चाहें तो गणपति जी की मूर्ति भी विराजित कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जल का छींटा देंगे, फिर हल्दी, रोली, चंदन अर्पित करेंगे और इसके बाद हम गणपति जी को दुर्वा अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे सबसे पहले और उसके बाद दुर्वा अर्पित करेंगे और साथ में ही गुड़हल का जो फूल है वो भी अर्पित करेंगे। इसके बाद मैंने सप्तऋषि की फ़ोटो ली है जिसमें माता अरुंधति भी हैं। तो ये फ़ोटो मैंने फोटोग्राफर से ही, जैसा मैंने आपको बताया 10 रुपये में बन जाती है, तो वही मैंने बनवाई है। साथ ही साथ ये देखिए ये जो फ़ोटो है इसे मैंने फ्रेम में लगा लिया है। आप ऐसे भी पन्नी चढ़ाकर फोटो रख सकते हैं। इसके बाद हम ये जो ऋषि मुनि हैं इनको तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से सभी ऋषियों को हम चंदन का तिलक लगाएंगे, सभी ऋषि देव को, सभी सप्त ऋषियों को तिलक लगाएंगे और माता अरुंधति को हल्दी अर्पित करेंगे और रोली अर्पित करेंगे। बालू से यानी रेती से किस प्रकार से आप सप्त ऋषियों का निर्माण कर सकते हैं उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर डला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद जो भी फूल हो आपके पास वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। तो जो भी फूल आपको मिले वो फूल आप अर्पित करें और अब हम सुहाग का सामान चढ़ाएंगे माता अरुंधति के लिए। तो अगर आपको सिर्फ सिंदूर और रोली मिल जाए, कुमकुम मिल जाए, हल्दी मिल जाए तो उतना ही आप चढ़ाएं, वरना माता को आप श्रृंगार का सामान चाहे तो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे और धूप अगरबत्ती सब दिखाएंगे सप्तऋषियों को। और धूप दिखाने के बाद अब हम हमारा दीपक प्रज्वलित करके दीपक दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम सप्तऋषियों की आरती करेंगे। अब प्रसाद में मैंने फल लिए हैं और गुड़ और नारियल का प्रसाद लिया है। आप प्रसाद में कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, खीर, हलवा। व्रत लिया हो तो आप फल चढ़ा दें और अगर व्रत नहीं किया हो तो आप कुछ भी प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। इस दिन जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगकर सप्त ऋषियों के लिए व्रत करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और ये देखिए इसके बाद मैंने जल अर्पित कर दिया है, प्रसाद अर्पित कर दिया है और इसके बाद हम ऋषि पंचमी व्रत कथा पढ़ेंगे। तो ऋषि पंचमी व्रत कथा का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ऋषि पंचमी व्रत कथा पढ़ेंगे और इसके बाद ऋषि पूजन की आरती भी पढ़ेंगे और आरती करने के बाद आपका जो पूजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पूजा कोशिश कर कर आप सुबह के समय में ही करें और आंगन या बालकनी में करें, वरना आप अपने मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।